Students, I am Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Acro 5212. Okay, so today we'll be discussing about classification of weed on the basis of morphologies. Okay, so in our previous lecture, we studied about the classification of weeds in different parameter on the basis of indifferent parameter, that is lifespan and ontogeny and ecological affinities also, and soil type ke bare mein humne padhai ki thi ki kis type ke soil mein kaun se weeds ugate hain, and the place of occurrence, and next is origin also. So today we'll be discussing about the classification on the basis of morphology. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी से आप क्या समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है क्लासिफिकेशन में, कि जो पौधे का, किसी भी प्लांट का जो बाहरी फीचर होता है, ठीक है, आउटर जो फीचर होता है, जो उसके लीव्स होते हैं, जो उसके स्टेम होते हैं, जो उसके रूट्स होते हैं, ठीक है, ये सब उसके मॉर्फोलॉजी में आता है. ठीक है, बाहरी जो बनावट होती है प्लांट की, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं. ठीक है, सो नाउ इन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, वीड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरी. ठीक है, विच इज़ ग्रासेस, सेजेस एंड BLW इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉड लीव वीड्स. ठीक है, सेजेज है वो, स्लेजेज हो गया, स्पेलिंग एरर है, SEDGES, दैट इज सेजेज. ओके, सो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट द वीड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरी. ठीक है, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन बाय द वीड साइंटिस्ट. ठीक है, जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है, वीड्स की क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो बहुत ही ज़्यादा जो होता है मॉर्फोलॉजी की बात आती है कि पौधा किस टाइप का है, उसके लीव्स कैसे हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और कई बार इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ द राइट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑल्सो. ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी पूरा क्लासिफिकेशन नहीं पूछ के किसी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को भी पूछ सकता है, तो आपको हर क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट. ओके, सो दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. ठीक है, ग्रासेस, फर्स्ट वन इज ग्रासेस, सो वी टेक देम फर्स्ट, ग्रासेस एंड ऑल द वीड्स विच कम अंडर द फैमिली पोएसी और कॉल्ड एज ग्रासेस, विच आर कैरेक्टरिस्टिकली हैविंग लॉन्ग नैरो स्पाइनी लीव्स. ठीक है, तो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जो ग्रासेस होते हैं ना, मोस्टली ग्रासेस आर मोनोकॉटिलीडन्स इन नेचर. ठीक है, जो ग्रासेस होते हैं, घास टाइप के जो वीड्स होते हैं, उनका नेचर जो होता है मोनोकॉटिलीडन होता है, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाई की थी कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होते हैं. ठीक है, तो ग्रासेस का जो स्ट्रक्चर होता है, लीव का स्ट्रक्चर जो होता है, वो मोनोकॉट टाइप का होता है, और बेसिकली ये पोएसी फैमिली से आते हैं. ठीक है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो ग्रासेस होते हैं वो. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज सेजेस. ठीक है, सेजेस क्या होता है, द वीड्स बिलोंगिंग टू द फैमिली साइपरेसी कम्स अंडर दिस ग्रुप. ठीक है, तो साइपरेसी फैमिली से जो भी वीड्स आते हैं, जब हम वीड्स का आगे डिटेल में नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो क्या होगा, उसकी फैमिली के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि किस फैमिली से कौन सा वीड बिलोंग करता है. ठीक है, तो वो आपको याद रह जाएगा. ठीक है, तो अभी ये चीज़ आपको याद करना है कि जो सेजेस हैं वो साइपरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो ग्रासेस हैं वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, द लीव्स आर मोस्टली फ्रॉम द बेस हैविंग मॉडिफाइड स्टेम विद आर विदाउट ट्यूबर्स. ठीक है, उनका जो स्टेम जो रहता है बहुत ही अलग टाइप का मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है, ट्यूबर नहीं होता, वो ट्यूबर उसमें नहीं होते हैं, पर बहुत ही अलग टाइप से जो उसका जो स्टेम जो रहता है सेजेस का, वो मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है,
वी हैव सम एग्जाम्पल्स फॉर ग्रासेस वीड्स फर्स्ट वन ठीक है इकाइनोकोला कोलोनम एंड साइनोडॉन डेक्टाइलॉन ठीक है हमने पहले ही आपको मैंने साइनोडॉन डेक्टाइलॉन तो कई बार बताया है कि वो एक सिंपल दूब ग्रास है ठीक है जो ग्रास है मतलब ग्रासेज है लंबी लंबी छोटी छोटी उसकी पत्तियाँ होती हैं नैरो लीव्ड होती हैं ठीक है मोनोकॉटिलीडन्स टाइप के होते हैं ठीक है तो वो उसके अंदर ग्रासेस के अंदर साइनोडॉन डेक्टाइलॉन होते हैं और इकाइनोकोला कोलोनम का भी मैंने आप लोगों को इमेज दिखाया था कि वो पतली सी नैरो लिप्ड होती है और मोनोकॉड्स होते हैं उसके ठीक है वैसे ही सेजेस में हमारे एग्जांपल्स हैं साइप्रस रोटेंडस ठीक है दो चीज़ होता है दो वीड्स होते हैं दोनों भाई हैं साइप्रस रोटेंडस एंड साइप्रस मोटेंडस ऑल्सो ठीक है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के दिखते हैं तो हमें ये फील्ड में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा साइप्रस रोटेंडस है और कौन सा साइप्रस मोटेंडस है ठीक है दोनों की स्पीसीज थोड़ी अलग होती है पर दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के दिखाई पड़ते हैं ठीक है एंड द सेकेंड वन इज़ फिम्ब्रिस्टाइलिस मिलिएसी ठीक है ये जो है वो सेजेस टाइप के वीड्स होते हैं जिनका जो स्टेम जो होता है वो एक अलग किस्म का मॉडिफाई हो जाता है और अपना जैसे कि ट्यूबर जो होते हैं ट्यूबर में क्या होता है किसी भी प्लांट का अगर वो ट्यूबर है तो उस ट्यूबर में फूड होता है जो उस वो प्लांट उस ट्यूबर से अपने पूरे पौधे में पहुंचाता है ठीक है तो स्टेम जो अलग टाइप से मॉडिफाई हो जाते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के बन जाते हैं किस लिए बन जाते हैं अपना फूड रखने के लिए अपने फूड को उसमें होल्ड करने के लिए बनाए रखने के लिए ठीक है एंड द सेकेंड एंड द नेक्स्ट इज BLW ठीक है दैट इज ब्रॉड लीव वीड्स ठीक है दिस इज द मेजर ग्रुप ऑफ वीड्स एज ऑल अदर फैमिली वीड्स कम अंडर द अंडर दिस एक्सपेक्ट एक्सेप्ट दैट इज डिस्कस अर्लियर ठीक है जैसे हमने पहले बोल रहा है कि इसमें सारे टाइप के वीड्स आते हैं जैसे हमने ब्रॉड लीव्स के बहुत सारे पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स देखे कि कौन कौन से लीव्स हैं वो ब्रॉड लीव्स हैं कौन से लीव्स हैं जो नैरो लीव्स हैं ठीक है तो वो इसमें ब्रॉड लीव्स जो होते हैं उसमें सारे ब्रॉड लीव्स इसके अंदर में आते हैं इसके अंदर में आते हैं और मोस्टली क्या होता है जो ये जो होते हैं वो डाइकॉटिलीडन्स होते हैं ठीक है जो इनका जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो डाइकॉट टाइप का होता है ठीक है और क्या होता है स्टेम्स आर यूजुअली सर्कुलर इन सेक्शन ठीक है एक उनका जो सेक्शन में डिवाइड रहता है वो हमेशा सर्कुलर टाइप का होता है ठीक है वृत्ताकार होता है आप कह सकते हैं हिंदी में वो उस टाइप का जो दिखाई पड़ता है हमें वो क्या होता है BLW होता है ठीक है ब्रॉड लीव्ड वीड्स कहते हैं सो वी हैव सम एग्जांपल्स विच इज़ फ्लेवेरिया ऑस्ट्रालेसिया एंड डाइजीरिया आर्वेंसिस के बारे में मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ एंड ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस ठीक है इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो BLW में आते हैं और ब्रॉड लीव वीड्स में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नैरो लीव्स होते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं बेस्ड ऑन दी कॉटिलीडेंस में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि किस टाइप के वीड होते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं कि नैरो लीव्स होते हैं तो वो एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ठीक है मूविंग ऑन द नेक्स्ट ओके देयर आर सम पिक्चर्स सो यू कैन सी हियर एंड यू कैन ईजली आइडेंटिफाई इन योर फील्ड व्हेन यू डू प्रैक्टिकल ऑन आफ्टर द सेशन सो साइप्रस रोटेंडस इस टाइप का दिखता है सेम ऐसा ही साइप्रस मोटेंडस भी दिखता है उसके फ्लावर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं तो ये आपको देखना है और ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस ये आपको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई छोटे छोटे येलो कलर येलो एंड वाइट कलर के पेल येलो यू कैन से दैट पेल येलो फ्लावर्स जो होते हैं उसके लगे हुए होते हैं लंबी लंबी स्टेम में ठीक है लंबे लंबे स्टेम में फ्लावर्स लगे होते हैं तो वो ट्राइडस प्रोकम्बेंस है जो उसका मॉर्फोलॉजी जो होता है वो इस टाइप का होता है तो जो ट्राइडस प्रोकम्बेंस है वो क्या है वो किसके अंदर आते हैं ब्रॉड लीव्स के अंदर आते हैं देखिए इसका लीव्स आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि थोड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं है ना जैसे साइप्रस रोटेंडस जो है वो ग्रासेस टाइप दिख रहा है ना तो वो क्या है ब्रॉड लीव नहीं है वो नैरो लीव्ड है और मोनोकॉटिलीडन्स होते हैं सो ग्रासेस एंड सेजेस बोथ आर मोनोकॉटिलीडन्स एंड ब्रॉड लीव वीड्स आर अंडर दी कम्स अंडर दी डाइकॉटिलीडन्स ऑल्सो तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट So yeah, so there is another classification which is nature of the
स्टेम, ठीक है, स्टेम के बेसिस पे आपके ये क्लासिफिकेशन है। कई बार ये बोल क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछ लेता है कि स्टेम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिखने नहीं आएगा आपको, कभी आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन आ जाएगा कि प्लांट आर्किटेक्चर पे या सूट के बेस पे आप स्टेम सॉरी वीड्स को कितने भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो वो सेम है, बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन दिस सूट, बेस्ड ऑन दिस स्टेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ है नेचर ऑफ दिस स्टेम, सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ दिस स्टेम वी हैव बीन थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज वूडी वीड्स, सेमी वूडी वीड्स एंड हर्बेशियस वीड्स, ठीक है। तीन प्रकार से इसको बांटा गया है और फिर हम वन बाई वन लेते हैं और देखते हैं क्या है। वुडी वीड्स, फर्स्ट वन इज वुडी वीड्स, ठीक है। वीड्स इंक्लूड शर्ब्स एंड अंडर शर्ब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रश वीड्स, ठीक है। तो क्या होता है, जो शर्ब्स होते हैं पत्ती टाइप के, पत्तियों की टाइप के शाग शर्ब्स, यानी शाग के जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं वो, या अंडर द शर्ब मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं वो जो होते हैं वो शर्ब्स के, वो वुडी वीड्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो पौधे छोटे होते हैं लेकिन जिनके स्टेम्स वगैरह होते हैं वो वुडी टाइप के होते हैं, ठीक है। पौधे छोटे होंगे, कैसे छोटे होंगे, जैसे साग भाजी, जैसे टोमेटो का प्लांट होता है, चिली का प्लांट होता है ना, तो उस टाइप के साग किस्म के जो पौधे होते हैं वो वुडी टाइप के वीड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो और सेमी वुडी में क्या होता है, जो थोड़े हो सकता है कि टोमेटो चिली से थोड़े बड़े होते हों वो सेमी वुडी के अंदर में आते हैं, ठीक है। जैसे सेमी वुडी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो क्रोटॉन स्पेरसी फ्लोरस, ये जो है सेमी वुडी है, ठीक है। तो ये जो होता है टोमेटो और चिली के प्लांट से थोड़े बड़े होते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो वो उस टाइप के, लेकिन उनके वूड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी वुडी होते हैं, प्योर वुडी। आप स्टेम जो होते हैं वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुडी वीड्स, ठीक है। वुडी मतलब समझ में आ जाता है कि हार्ड होते हैं, उसके स्टेम जो होते हैं हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेमी वुड्स, ठीक है। हर्बेसियस वीड्स, हर्बेसियस वीड्स में तो पूरे साग आ जाते हैं, ठीक है। साग टाइप के जो दिखाई पड़ते हैं छोटे छोटे पौधे वो जो होते हैं, जो हमें नॉर्मली मैदान में दिखाई पड़ जाते हैं, साइप्रस रोटेंडेंस भी उस टाइप के पौधे हैं, साइनोडैक्टाइलॉन भी उस टाइप के पौधे हैं जो हर्बेसियस टाइप के हैं, आप वो भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको एक लिस्ट आउट करना है, सारे वीड्स के एग्जाम्पल्स उसमें लिखने हैं और उसको पढ़ाई करनी है, ताकि आपको एक समझ आ जाए, आप उसको समझ जाएं कि इस वीट का एग्जांपल ये इस टाइप का है, तो हम इस वीट का एग्जांपल इस क्लासिफिकेशन में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो हर्बेशियस वीट्स क्या होते हैं कि वो ग्रीन होते हैं, सकुलेंट होते हैं, मतलब सब्जियों टाइप के छोटे छोटे स्टेम होते हैं, पतले पतले स्टेम होते हैं, बहुत ही वीक स्टेम होते हैं, वो मोस्टली जो होते हैं अंडर द कैटेगरी हर्बेशियस वीट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्रोस्पिस जूली फ्लोरा, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रश वीड्स, ठीक है। जिस टाइप से आप इसका इमेज देख रहे हैं, देखिए इसमें जो इसके जो फ्लावर्स हैं है ना, वो ब्रश टाइप का स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, एक सॉफ्ट और सॉफ्ट जैसे ब्रश होता है, जैसे हम बॉटल ब्रश देखते हैं, सेम उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर लिया हुआ है, इसलिए वुडी वीड्स को हम ब्रश वीड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, सो या देयर आर सम अनदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, सो बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इन ऑल्सो थ्री कैटेगरीज, पॉइजनस, एक्वेटिक एंड पैरासिटिक वीट, ठीक है। पॉइजनस से भी आप एज नेव रेफर्ड की जहरीले टाइप के पौधे जो होते होंगे वो कम्स अंडर दी पॉइजनस वीड्स, है ना। पैरासिटिक वीड्स भी जैसा नेम सजेस्ट हमको कर रहा है कि पैरासाइट मतलब आप क्या समझते हैं, जो दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, है ना, तो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑन ऑफ पैरासिटिक वीड्स ऑल्सो। एंड एक्वेटिक वीड्स, एक्वेटिक से आपको क्या समझ आता है कि जो हाइड्रोलॉजी टाइप के वीड्स होंगे, जो पानी में उगाने वाले वीड होंगे, ठीक है, तो वो सारे जो वीड्स हैं इट्स कम्स अंडर दी कैटेगरी एक्वेटिक वीड ऑल्सो। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, ओके, सो वी टेक फर्स्ट वन, पॉइजनस वीड, ठीक है।
पॉइजनस वीट क्या होता है, जहरीली वीट्स होते हैं. तो द पॉइजनस वीट्स कॉज अलाइनमेंट ऑन लाइफ स्टॉक रिजल्टिंग इन डेथ एंड कॉज ग्रेट लॉसेस. ठीक है, जैसे हमने हार्मफुल इफेक्ट में मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो, कि कुछ वीट्स ऐसे भी होते हैं जो जहरीली होते हैं, जो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस अपने में ऑक्सीलेट या एंड ऑक्सीलेट टाइप के कुछ सब्सटेंस जो हैं वो अपने से रिलीज़ करते हैं, जिन्हें अगर हमारे कैटल जो होते हैं, लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं, जो हमारे वो खा लेते हैं अगर, तो क्या होता है उनके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं. कई बार उनकी डेथ हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि उनके मिल्क पे ब्लड स्टेन दिखाई देने लगते हैं, कई बार उनको फीवर टाइप का हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है. तो इस टाइप के जो वीट्स हैं वो अपने पॉइजनस इफेक्ट दिखाते हैं. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था. द वीट्स आर हार्वेस्टेड अलॉन्ग विथ फॉडर और ग्रासेस एंड फेड टू कैटल और वाइल्ड ग्रेजिंग द कैटल कंज्यूम देयर पॉइजनस प्लांट. ठीक है, क्या होता है, चारा वाली जगह पे कई बार पैश्चर लैंड में कई बार इस टाइप के वीट्स दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वीट्स जो होते हैं वो तो कहीं भी, जो बैरन लैंड होता है, जो ऐसे लैंड होता है, वहाँ बहुत सारे ऐसे वीट्स लगे होते हैं जहाँ हमारे लाइफ स्टॉक जो होते हैं, जो हमारे कैटल होते हैं, वो चारे के लिए जाते हैं ना. तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है. ठीक है, कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है. सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स. धतूरा फेस्टुओसा, ठीक है, धतूरा का फूल आप बहुत ही कॉमन है, वो भी वीट की कैटेगरी में आता है. ठीक है, नॉर्मली उसमें फूल खिलते हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स उसके होते हैं, तो वो भी वीट्स की कैटेगरी में आता है, जो बहुत ही जहरीला होता है. ठीक है, सेम धतूरा का भी एक स्पीसीज है, धतूरा स्ट्रामोनिया. ठीक है, धतूरा स्ट्रामोनियम जो होता है वो भी एक पॉइजनस वीड है. एंड द धतूरा मेटल आर पॉइजनस टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग ऑल्सो, है ना. तो धतूरा का जो वो होता है वो हमारे लिए भी बहुत जहरीला होता है. द बेरीज ऑफ विथानिया सोमिनीफेरा एंड सीड्स ऑफ आर्बर्स प्रेकेलेटूरेरिस आर पॉइजनस. ठीक है, तो इस टाइप के जो वीट्स होते हैं, विथाइनिया सोमिनीफेरा और आर्बसस स्पीसीज के जो वीट्स होते हैं, ये भी पॉइजनस की कैटेगरी में आते हैं. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट. ओके, देयर आर सम काइंड ऑफ पॉइजनस वीड्स, देयर आर सम पिक्चर्स. सो धतूरा जो होता है, आँख का जो पौधा होता है वो इस टाइप का दिखाई देता है, जिसके फूल खिलते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं, पर्पल फ्लावर्स होते हैं. धतूरा का उस टाइप का एक थ्रोन लाइक बॉल के जैसा एक उसका सीड होता है, यू कैन से दैट, जो बहुत ही जहरीला होता है. कई बार हमारी जो गाय होती हैं, भैंस होते हैं, वो इस चीज़ को खा लेते हैं, फूड के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनको काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट दिखाई पड़ता है. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट. ओके, द सेकेंड वन इज़ पैरासिटिक वीड्स. ठीक है, तो ऐसे वीड्स जो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ग्रीन लीव्स इनके होते हैं, और होस्ट प्लांट जो डिपेंड करते हैं होस्ट प्लांट के लिए. ठीक है, तो उस टाइप के वीड्स जो होते हैं वो अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरासिटिक वीड्स. ठीक है, तो द वीड्स दैट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द होस्ट प्लांट आर टर्म एज टोटल पैरासाइट्स, while the weeds that partially depend on the host plants for minerals and capable of preparing its food from the green leaves are called as partial parasites. ठीक है, तो जो थोड़े मात्रा में फूड के लिए डिपेंड होते हैं वो partial parasites weed होते हैं, और जो पूरे ही अपने फूड के लिए किसी एक होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं वो क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स वीट होते हैं. ऐसे कभी आप देखेंगे नॉर्मली जो बैरन फील्ड पड़ी होती है, जो मैदान होते हैं, उसमें रनर टाइप के कुछ प्लांट्स आते हैं. जो रनर टाइप के प्लांट मतलब लता वाली, जो लता मतलब बेल, जिनका बेल होता है ना, उस टाइप के कुछ प्लांट्स आते हैं, वो किसी और पौधे पे चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं. जैसे कस्कुटा स्पीसीज के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट पे अपने आप को सहारा लेने की कोशिश करते रहते हैं. ठीक है, डिपेंड होते हैं, इसलिए डिपेंड होते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो कंप्लीट पैरासिटिक वीड में आते हैं, और जो पार्शियल डिपेंड होते हैं अपने फूड पे, वो जो थोड़ा कैपेबल होते हैं अपना फूड प्रिपरेशन करने के लिए ग्रीन लीव्स के जरिए, तो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो पार्शियल पैरासाइट्स में आते हैं. ठीक है, दोज पैरासाइट विच अटैक रूट्स आर टर्म एज रूट पैरासाइट्स, एंड दोज विच अटैक
शूट ऑफ अदर प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्टेम पैरासाइट। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है कि जो रूट पे डिपेंड करते हैं वो रूट पैरासाइट होते हैं, जो शूट पे डिपेंड करते हैं वो शूट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, सो दे आर सम एग्जांपल्स। टोटल रूट पैरासाइट्स के एग्जांपल्स हैं ऑरोबेंची, सरनुआ और टोबैको, है ना। टोबैको में डिपेंड, ये जो ऑरोबेंची स्पीसीज के जो वीड्स होते हैं वो टोबैको पे डिपेंड होते हैं, रूट पैरासाइट होते हैं जो टोबैको के रूट पे से अपना फूड जो रहते हैं वो लेते हैं। ठीक है, एंड पार्शियल रूट पैरासाइट में स्ट्रिगा ल्यूटिया जो होता है वो शुगर केन पे डिपेंड होता है, शोरगम पे डिपेंड होता है, उससे अपना फूड लेता है, उससे अपना फूड प्राप्त करता है फूड। ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं अभी बताया मैंने कि जो शूट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो अटैक होते हैं शूट प्लांट के ऊपर, तो वो होता है स्टेम पैरासाइट, जिसमें कस्कुटा चाइनेंसिस जो होता है वो आते हैं, जो ल्यूसन करके जो हमारी फसल होती है और अनियन जो होती है उस पर ये जो स्टेम पैरासाइट होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड पार्शियल पैरासाइट ऑल्सो। सो पार्शियल पैरासाइट क्या होता है कि जो कम, मतलब आधा आधा फूड अपना वो बना पाता है, हाफ फूड वो अपना प्रिपेयर कर पाता है और कुछ फूड के लिए उसे स्टेम की जो आवश्यकता होती है उस पर डिपेंड होता है वो। ठीक है, तो वो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं इट कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑन ऑफ पार्शियल स्टेम पैरासाइट। वी हैव सम एग्जाम्पल्स इन हियर, सो लोरेंथस लॉन्गिफोरस स्पीसीज के जो वीड्स होते हैं वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। जो मैंगो प्लांट होता है ट्रीज़ में डिपेंड करते हैं, ट्रीज़ में मैंने जैसे बताया कि जो कुछ रनर्स होते हैं जो ज़मीन में ऐसे ही फैले हुए होते हैं, ठीक है, तो वो रनर्स भी अपने फूड के लिए किसी होस्ट प्लांट को देखते हैं कि हम किसी होस्ट प्लांट पे डिपेंड हो जाएं या उनसे हमें सहारा मिल जाए तो हम अपना फूड ले पाएं, है ना। तो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं, रनर टाइप के जो वीड्स होते हैं वो भी जो होते हैं वो स्टेम पैरासाइट के अंदर में आते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, सो या देयर आर सम एग्जांपल। सो ऑरोबेंची जो होते हैं वो इस टाइप के ग्रीन लीव्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं और वो डिपेंड करते हैं आपके फूड के लिए। स्ट्रिगा ल्यूटिया जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके फूड के लिए। ठीक है, फिर एक कस्कुटा है ना, ये जो कस्कुटा जो होता है ये जो होता है वो रनर टाइप का वीड होता है। जो कस्कुटा जो है बेसिकली वो बहुत फैलने वाला होता है, जो हमारे अनियन पे डिपेंड हो जाता है अपने फूड के लिए, वो होस्ट प्लांट ढूंढता है अपने लिए, तो वो अनियन पे डिपेंड हो जाता है, उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग तरीके से बढ़ने लगता है उसके ऊपर, ठीक है, फूड के लिए। तो क्या होता है, जो हमारा मेन क्रॉप होता है वो क्या होता है, सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, और वो बढ़ नहीं पाता, उग नहीं पाता, तो उससे क्या होता है हमारा क्रॉप जो होता है वो डैमेज हो जाता है, प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है, यील्ड कम हो जाता है, जैसे हमने पहले आपको बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट में हमने जो डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये कुछ वीट के एग्जाम्पल्स थे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो ओके, बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिसिटी, ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिसिटी में थर्ड कैटेगरी है एक्वेटिक वीड की। तो ऐसे वीड जो पानी में उगाते हैं, ठीक है, जो पानी में उगाते हैं उस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो एक्वेटिक वीड के अंडर आते हैं। तो अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन वाटर एंड कंप्लीट एट लीस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन वाटर आर कॉल्ड एज एक्वेटिक वीड। इज नॉट लीस्ट ना, इट एल ई एस टी, यस स्पेलिंग इज करेक्ट ऑल्सो। दे आर फर्दर ग्रुप्ड इंटू टू फोर कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज सबमर्ज्ड, इमर्ज्ड एंड मार्जिन एंड फ्लोटिंग वीड ऑल्सो। सो वी टेक वन बाई वन। तो ऐसे वीड्स जो पानी में उगाते हैं, पानी में उग आने वाले वीड को हम एक्वेटिक वीड बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोटस के भी कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो वो वीड के कैटेगरी में आती है। हाइड्रेला, हाइड्रेला का प्लांट आपने सुना होगा, बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो होते होंगे उन्हें पता होगा, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि हाइड्रेला जो होता है वो पानी में उग आने वाला वीड है। तो वो सारी चीज़ें, हाइड्रेला जो है वो एज अ बॉटनी हम उसे अलग तरीके से लेते हैं, पर हम वीड का जब स्टडी करेंगे तो वो एक टाइप का वीड ही है। ठीक है, पानी में उग आने वाला पौधा है। तो जैसे सबमर्ज वीड क्या होता है, दिस वीड्स आर मोस्टली वैस्कुलर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ऑल
or most of their vegetative growth beneath the water surface, having true roots, stem and leaves. ठीक है, इनके स्यूडो रूट्स नहीं होते, सही में ये रूट्स रखे हुए होते हैं, मतलब एक स्पेशल रूट स्ट्रक्चर इस पौधे पे बना हुआ होता है. ठीक है, स्यूडो झूठ मूठ के कुछ रूट्स जैसे हम आगे स्टडी करेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके रूट्स हमें दिखाई पड़ते हैं पर वो उस एज अ बॉटनी अगर हम उसकी स्टडी करें तो वो रूट्स नहीं होते. ठीक है, तो उनको हम स्यूडो रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं, पर ये जो होते हैं हैविंग ट्रू रूट्स, इनके पास सही में अपने रूट्स होते हैं. ठीक है, जिनसे ये भोजन लेते हैं, जिनसे ये फूड प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेम्स को, अपने लीव्स को. ठीक है, तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं जो वाटर के अंदर में रहते हैं, तो उस टाइप के वीड्स होते हैं सबमर्ज वीड्स के कैटेगरी में आते हैं. द नेक्स्ट वन इज इमर्ज वीड्स. ठीक है, दिस प्लांट्स आर रूटेड इन द बॉटम्स ऑफ बॉटम मड विद एरियल स्टेम एंड लीव्स एट और अबव द वाटर सर्फेस. The leaves are broad in many plants and sometimes like grasses. These leaves do not rise and fall with water level as in the case of floating weeds. ठीक है, क्या होता है कि ये जो weeds होते हैं वो mud में, मतलब कीचड़ वाली जगह होती है. आप देखेंगे कि किसी नदी में या किसी तालाब में जो किनारे corner की जो जगह होती है काफ़ी mud इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे. ठीक है, काफ़ी mud जो होते हैं collect हो जाते हैं वहाँ पे, तो उस type के जो जगह पे कुछ weeds उग आते हैं वो उनको हम immersed weed की category में रख सकते हैं. ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो है नॉर्मली एकदम फ्लोटिंग वीट की टाइप नहीं होते हैं. ठीक है, फ्लोटिंग वीट के जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये दलदल वाले जगह पे, ठीक है, दलदली जगह पे जहाँ पे बहुत सारे पानी और मिट्टी दोनों बहुत ही अलग तरीके से होता है. ठीक है, जेली रूप से होता है, जेली टाइप का वो बन जाता है. उस टाइप के जगह पे अगर वो उगाए कीचड़ में, बेसिकली कीचड़ में उग आने वाले जो वीड्स होते हैं वो इमर्ज वीड्स की कैटेगरी में आते हैं. तो वी हैव सम एग्जांपल्स इज नेलुम्बियम स्पेसिओलोसम. ठीक है, इस टाइप के जो वीड्स हैं वो इमर्ज वीड्स की कैटेगरी में आते हैं. रेफरेंस स्पीसीज के वीड्स भी हैं जो दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, कई बार हम उसे अपने बुके में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो इमर्ज वीड्स की कैटेगरी में आते हैं. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, मार्जिनल वीड्स. ठीक है, मार्जिनल वीड्स एज नेम रेफर्ड की जो वीड्स होते हैं जो पानी में तो उगते हैं. ठीक है, पानी में उगते हैं पर वो पानी के ऊपरी सरफेस पे होते हैं. ठीक है, ऊपरी सरफेस में होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो मार्जिनल वीड्स की कैटेगरी में आते हैं. तो मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर एमर्ज वीड्स दैट कैन ग्रो इन मॉइस्ट शोर लाइन एरियाज विथ अ डेप्थ ऑफ 60 to 90 centimeter वाटर. ठीक है, जो 60 से 90 centimeter इसका एक पैरामीटर है कि इतने सेंटीमीटर में जो पौधे जिनका रूट जो होता है वो पानी में अंदर डूबा हुआ होता है, तो उस टाइप के जो वीड्स हैं वो मार्जिनल वीड्स की कैटेगरी में आते हैं. दीज वीड्स आर वेरी इन साइज, अलग अलग टाइप के साइज शेप में बहुत ही अलग होते हैं, हैबिट उनका अलग होता है. ठीक है, अलग अलग हैबिट के होते हैं, ब्रॉड लीव हो सकते हैं, नैरो लीव हो सकते हैं. तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो मार्जिनल वीड्स की कैटेगरी में आते हैं. सो टाइफा स्पीसीज बहुत ही कॉमन स्पीसीज है, वो इस टाइप के जो वीड्स हैं. अब जैसे आप यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, स्क्रीपस स्पीसीज जो हैं वो भी काफ़ी कॉमन वीड्स हैं. ठीक है, जो टाइफा स्पीसीज है, ये जो ब्राउन कलर के जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं जनरली फ्लावर में जब हम गुलदस्ता बनाते हैं तो इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, आप देखेंगे ये बहुत ही कॉमन वीड्स है. पॉलीपोगन वीड्स जो है, उसका सेकेंड इमेज जो है वो आपका पॉलीपोगन वीड्स का है. तो वो वीड्स भी होते हैं, पिंक फ्लावर्स होते हैं जो नदी के किनारे में या किसी नाले या किसी पानी भरी हुई जगह में उग आते हैं. तो इस टाइप के वीड्स आपको पानी में दिखाई आसानी से पड़ जाएंगे. मूविंग ऑन नेक्स्ट, ओके, एंड द लास्ट वन इज़ फ्लोटिंग वीड्स. ठीक है, फ्लोटिंग वीड्स से ही नाम समझ आ रहा है हमें कि जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उस टाइप के वीड्स होते हैं वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लोटिंग वीड्स ऑल्सो. एंड दीज वीड्स हैव लीव्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस ईदर सिंगली और इन क्लस्टर.
ठीक है, सम वीड्स आर फ्री फ्लोटिंग एंड सम रूटेड एज मड बॉटम एंड द लीफ राइज एंड फॉल एज द वाटर लेवल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, तो यही इसमें है, कॉमन वीड है ये कि जो फ्लोट करते रहते हैं, जो लोटस जो फ्लावर होता है, लोटस जो फ्लावर होता है उसके बहुत ही अलग अलग टाइप के स्पीसीज़ आपको पानी वाली जगह पे, तालाब पे, नदी पे दिखाई पड़ेंगे। तो वो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं एक्सेप्ट लोटस, ठीक है, तो वो जो वीड्स होते हैं वो फ्लोटिंग वीड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल है, पिस्टिया स्ट्रैटियोटस जो है इसके एग्जांपल्स हैं, साल्वेनिया एग्जांपल, निम्फिया स्पीसीज बहुत ही कॉमन है। जो सेकेंड इमेज आप देख रहे हैं वो साल्वेनिया स्पीसीज़ का पौधा होता है, बहुत ही सकुलेंट होता है, बहुत ही पानी टाइप का, पानी उसमें भरा हुआ रहता है। जैसे हम एलोवेरा का पौधा देखते हैं, जैसे हम एलोवेरा देखते हैं तो जो जेली टाइप का उसके लीव से निकलता है, सेम ऐसा सकुलेंट प्लांट होता है ये। और जो पहला इमेज आप देख रहे हैं वो इकोनॉर्निया क्राइसपिस स्पीसीज़ का पौधा है। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो फ्लोटिंग वीड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप यू गॉट दीज थ्री क्लासिफिकेशन। सो दीज आर ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। ठीक है, तो आप ये अपना नोट्स रेडी करेंगे और एग्जांपल्स हैं उसको लिस्ट आउट करेंगे कि कौन से वीड्स फ्लोटिंग वीड्स हैं, कौन से मार्जिनल वीड्स हैं, डाइकॉटिलेडन कॉटिलेडन्स के बेस पे एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल आपको लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल आपको लिखने हैं कि कौन से वीड डाइकॉट हैं, कौन से वीड मोनोकॉट हैं, कौन से वीड्स मार्जिनल वीड्स हैं। सारे आप एग्जांपल अलग अलग लिस्ट आउट करेंगे और फिर उसके बाद सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, क्योंकि नेम से समझ आ जाता है हमें कि मार्जिनल वीड क्या है, फ्लोटिंग वीड क्या है। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा कि किस टाइप के वीड पर हमें एग्जांपल याद रखने हैं। तो माइंड इट, एग्जांपल मस्ट है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।